रायसेन जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी नहीं है और कोई भी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं है। जरूर यह बात कही है कलेक्टर रायसेन उमा शंकर भार्गव ने। रायसेन कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था जिले में की गई है, तो वहीं कोविड केयर सेंटर फिर से शुरू करने की बात भी सामने आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास से सभी कलेक्टर, कमिश्नर और एसपी की और इसके अलावा आईजी की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण रोकने के निर्देश जारी किए थे। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने वर्चुअल चर्चा के उपरांत सीएमएचओ सहित संबंधित अधिकारियों को जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सख्ती के साथ कदम उठाने की बात कही है। कलेक्टर ने यहाँ प्रतिदिन 500 से 600 करीब कोरोना टेस्ट करवाने की बात कही है और जिनकी रिपोर्ट एक दिन में आ जानी चाहिए, यह भी बात कही गई है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना ही है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है, इसलिए जनता से अपील की है। नहीं, दो चीज़ें नहीं, हम लोग 547, 500, 600, 700 ऐसे लगभग किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा 500 से लेकर के 650-700 के बीच में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और इसकी हमारी रिपोर्ट भी आ जाती है टेस्ट की, जो लगातार हम टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सर देखने में ये आ रहा है कि टेस्टिंग के लिए अस्पतालों में भीड़ लगी है, बरेली में 300 लोग, 200 लोग। देखिए दो चीज़ें, हमारी जो टेस्टिंग की क्षमता है वो भी एक उसकी लिमिट है। जैसे यदि कोई 1000 टेस्ट यदि दिन में होंगे तो हमारी क्षमता की एक सीमित है, फिर भी हम 600-700 टेस्ट हम पर डे कर रहे हैं। और बरेली में भी लोगों में भय बहुत ज़्यादा है। देखिए, यदि आपको लक्षण हैं तो हम सबका टेस्ट कर रहे हैं, बट कुछ लोग डर के मारे कि भाई हमको तो कोरोना नहीं है, जिनको कोई लक्षण नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो लोग भी पहुंच जा रहे हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता उन लोगों की है जिसको सामान्य लक्षण, चाहे सर्दी, जुकाम, बुखार जो है, उन लोगों के करने की, जिनको कुछ भी नहीं है और मात्र केवल भय के कारण पहुँच जा रहे हैं, उनको हम प्राथमिकता भी नहीं दे रहे। सर, इसके अलावा सर अपने अभी एक्स्ट्रा क्या व्यवस्थाएं हैं जिला अस्पताल और? देखिए, हमारे यहाँ पर रायसेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें पर्याप्त मात्रा में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन के बेड हैं। 53 बेड रायसेन के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, उसमें से आज हमारे 18 बेड भरे हुए हैं, बाकी बेड हमारे खाली हैं। कोविड केयर सेंटर हमने यहाँ पूरी तरह चालू कर दिया है। रायसेन जिले के जितने हमारे CSC हैं, चाहे बेगमगंज हो, सिलवानी हो, मंडीदीप हो, उबदुल्लागंज हो, बरेली हो और जो उदयपुरा हो, वहाँ भी हमने एक एक सेंट्रलाइज ऑक्सीजन का बाड़ तैयार किया है। सभी माननीय विधायकों ने हमें 5-5 लाख रुपये की राशि दी थी, जिससे हमने एक बाड़ तैयार किया, 10 बेड है और वहाँ सेंट्रलाइज ऑक्सीजन की लाइन पड़ी हुई है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जंबो सिलेंडर है और हमारे पास कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जो पेशेंट हमारा बरेली में आता है या सिलवानी में आता है, उनको हम वहाँ एडमिट कर रहे हैं और उनको ऑक्सीजन दे भी रहे हैं। हमारे पास वेंटिलेटर भी है, हमारे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन भी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन की भी कोई हमारे पास कमी नहीं है। सर, एक समस्या ये आ रही है, जिला अस्पताल में कोविड के कारण वार्ड बना दिए गए तो और अन्य जो मरीज हैं बीमारी को, उनको देखिए मेरी बात सुनिए। आपने देखा होगा कि कोविड का हमने नीचे ऊपर हमने शिफ्ट किया है दूसरे जनरल वार्ड को, वहाँ जो अन्य पेशेंट हैं हम उसको वहाँ भी भेज रहे हैं। बट आज की स्थिति में हमारे 9 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हैं और 16-17 हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी पॉजिटिव है। तो उस सब के बावजूद भी हम सभी जगह व्यवस्था की है, कहीं कोई परेशानी नहीं आने दे रहे हैं।